मेरा नाम टेकऑफ। तो मैं वो इंजीनियर हूँ जो हाईटेक का शिकार है। हाईटेक जहां पिछले 6 साल से तालीम की वबा फैल चुकी थी, यहां किस्मत ने ला फेंका, महाचिक ने फेंका। मेरा नाम फेकऑफ, पर मैं वो इंजीनियर हूं जो हाईटेक का शिकार। वो दिन मेरी जिंदगी बदल गया जिस दिन मैंने मेरिट लिस्ट में अपना नाम किया। उनके पहले ही दिन फरिश्ता अजल उनका मुंतजर था। याद रख कि तू खुदा तो नहीं। ये यूनिफॉर्म में तो नहीं है। ये भी नहीं है। उसके तो अंडरगारमेंट्स तक इम्प्रॉपर थे। जब इतने प्यारे बच्चे अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएंगे, अब कुछ ना कुछ तो उतरवाना ही पड़ता है ना उनका। मुझे बहुत सा जहेज नुमा सामान लेके जाना पड़ा और वो थी हाईटेक की फीस। अगले दिन मैं बहुत खुश था, पर आज भी जब मुझे वो वक्त याद आता है तो मेरा कांप उठता है अंग अंग। अरे भाई अंडा दोगे? अंडा दे! हो गया सर। देखें जी, मुझे नहीं पता अंडा कहाँ से आया था। सिचुएशन भी बहुत टाइट थी, प्रेशर भी बहुत आया हुआ था। जी मुझे नहीं पता था कि अंडा दे देगा, लेकिन अखीर ही होगी है। मुझे इस सब की आदत हो चुकी थी।
फेक ऑफ की जिंदगी ने लिया एक खूबसूरत मोड़। Continuously staring at me. That was so disgusting. और उन्होंने अपनी जिंदगी गलत तरफ मोड़ ली। लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी रवान है। इंजीनियरिंग के ये 4 साल पल भर में गुजर गए। इस लंबे और कठिन सफर के बाद आखिर मुझे वो मिल ही गई डिग्री। एडमिशन में जलालत, इंजीनियरिंग में जलालत और अब इंटरव्यू में जलालत। विच यूनिवर्सिटी? हाईटेक। गेट आउट। इतनी जलालत। लेकिन हाईटेक की सख्ती और फेक ऑफ की लगन उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक ले गई। हाईटेक में इतनी मुश्किल झेलने के बाद अब मुझे लाइफ में हर बड़ी से बड़ी मुश्किल छोटी लगती है। आई कैन टेक एनीथिंग नाउ।